आदिन्न दाना विर्मनि सिक्खापदिं स्मादियानि आदिन्न दाना विर्मनि सिक्खापदिं स्मादियानि धम्मपद कथा गाथा नंबर 65 या 65। बार बार ये बताया जाता है और बार बार बताया जाता रहेगा कि कथा कथा होती है। कथा का मतलब स्टोरी है, कथा नैरेटेड होती है, नैरेशन होती है, कोई इसको कहता है। कथन जो होते हैं उनको कहा जाता है, और समय के हिसाब को देखते हुए, व्यक्ति के हिसाब को देखते हुए, एग्जाम्पल के हिसाब को देखते हुए, मौसम के हिसाब को देखते हुए, भाषा को और शैली को देखते हुए कथाकार कथा को बदल देता है, क्योंकि उसका मकसद होता है कथा के पीछे, कहानी के पीछे जो सार है, जो बात है, उस तक को पहुंचाना, उस मैसेज को पहुंचाना। इसलिए कई बार जो कथाएं हैं वो अतिशयोक्ति में चली जाती हैं, हाइपरबोल हो जाती हैं, ना उनका सर होता है ना उनका पैर होता है, बस वो कथा होती हैं, काल्पनिक होती हैं, चमत्कारिक होती हैं, कई बार ऐसी उछल उछल के दाएं बाएं पहुंच जाती हैं कि उनको जोड़ना भी भारी पड़ जाता है। इसलिए आप कथा को कथा समझकर देखें कि उसके पीछे सार क्या है। गाथा जो होती है वो अधिकतर गाथा सारी की सारी प्योर हैं, कुछ गाथाओं में कुछ शब्द बदल दिए गए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध चूंकि बहुत ज्यादा दुनिया के सबसे नंबर वन के जानकार थे, मन और मस्तिष्क और व्यक्ति के चरित्र को देख के भाप लेते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो उन्होंने एक अलार कलाम का सूत्र दिया था। वो एक टेस्टिंग सूत्र है, ये ठीक ऐसा सूत्र है कि जैसे बैंक में आप कोई भी पैसा लेके चले जाएं तो बैंक में जो कैशियर होता है वो आपके पैसे के एक एक नोट को मशीन में डाल के चेक कर लेता है, मशीन उस नोट को निकाल के फेंक देती है बाहर जो नोट नकली होता है। ऐसे ही ये आलार कलाम का सूत्र है, इसमें जो भी सूत्र डाले जाते हैं, जिन सूत्रों का विश्लेषण किया जाता है, उनमें पता चल जाता है कि ये सूत्र भगवान बुद्ध का होगा या नहीं होगा, या समय के हिसाब से ठीक है या नहीं है। जिस प्रकार नकली जो नोट होता है वो जब तक चलता रहे और जब पकड़ा जाए तो बेकार हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, फिर उसको जला देते हैं या बैंक वाले उसको कब्जा कर लेते हैं या वो जेब में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। मगर जो असली नोट होता है वो कितना भी पुराना हो जाए, वो फट भी जाए, तो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उतने ही मूल्य का नोट आपको करारा कड़कता हुआ मिल जाएगा। यही भगवान बुद्ध के जो सूत्र हैं, जो बिल्कुल प्योर सूत्र हैं, उनकी बात है कि उस समय से लेके आज तक वो नहीं बदले हैं, वो आज भी ऐसे ही कड़कते हुए नोट हैं। तो आलार कलाम का सूत्र क्या है, वो चेक मशीन क्या है जिसमें डालकर कोई सूत्र को आराम से चेक किया जा सकता है। सूत्र जो कहे हैं, सूत्र का मतलब वर्सेस है, दोहे हैं, कवि हैं, छंद हैं, या आर्टिकल हैं, या अनुच्छेद हैं, या स्टैंजा हैं, यानी जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसको बोला जाता है। आप किसी नाम से आयत भी बोल सकते हैं, किसी नाम से बोल सकते हैं। तो जो सूत्र उन्होंने दिया है या सूत्र उन्होंने दिया है, उस सूत्र में आपको तीन बातें चेक करनी है। जो ये कहा गया है, क्या ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जितने परिवार यहां बैठे हुए हैं, उन सबके लिए फायदेमंद है, नंबर वन। नंबर दो, क्या ये जो पूरा देश है, पूरा स्टेट है, पूरा जिला है, पूरा गांव है, उसके लिए ये बात बिल्कुल ठीक है, सारे मनुष्य के लिए ठीक है, नंबर दो। और क्या ये हमारे देश के अलावा बाकी सब देशों के मनुष्य के लिए भी ठीक है, नंबर तीन। इसका मतलब अगर वो बात मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, सभी के लिए, विदाउट एनी रेस्पेक्ट, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बात के, तो इसका मतलब वो मशीन में चेक हो गया, वो बिल्कुल ठीक है। यही आलार कलाम जो सूत्र है उसमें भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम मेरी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, या कोई ज्ञानी ऐसा कह रहा है, या पहले से सुना हुआ है, या परंपरा में चलाया हुआ है, या किताब में लिखा हुआ है, या टीवी पे आया हुआ है, या व्हाट्सएप पे आया हुआ है, या फेसबुक पे चल रहा है, या किसी ने वीडियो बना के भेजा है, या कोई टेलीफोन पे बता रहा है, या कोई मेरा परिचित है, या कोई मेरी पति या पत्नी है, या कोई मेरा बेटा है, या कोई बहुत बड़ा अफसर है, या किसी ने मुझे कुछ लालच दिया इसलिए, या कोई मुझे कुछ बाद में देगा इसलिए, या मेरी कोई चीज छीन लेगा अगर मैं उसकी बात को सच ना मानूं तो इसलिए। इन सब चीजों पर जब आप उतारेंगे स्केल पे, तो आपको पता चलेगा कि बात में कुछ लगा हुआ तो नहीं है, यानी बात दबाव में तो नहीं है, लालच में तो नहीं है, कहीं मैं लालच में दबाव में तो ये बात नहीं मान रहा हूं, अपने मौत के भय से तो इस बात को नहीं मानना हूं, डर की वजह से तो नहीं इस बात को मानना हूं। अगर सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, तो इसका मतलब वो आलार कलाम का जो सूत्र, जो भगवान बुद्ध ने जो चेक की मशीन दी आपको, कि सूत्र वो कैसे चेक करेंगे, उस पर वो खरा उतरेगा। यहां जो कथा चलती है वो कथा बड़ी मजेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग है। कथा इस प्रकार है कि जो पवेय का है, पवेय का एक राज्य है, पवेय का राज्य के
कुछ जो कुमार हैं यानी नौजवान हैं, नौजवानों को कुमार बोलते हैं और जो युवतियां होती हैं उनको कुमारी बोलते हैं। तो जो कुछ कुमार हैं उनको कुछ जो प्रमाद है, प्रमाद की सूझी और उन्होंने कुछ सुरा, कुछ मेर, कुछ मज अपने साथ लिया और एक गणिका उन्होंने ली। गणिका का मतलब आज की डेट में प्रोस्टिट्यूट होता है, इसको वैश्या भी बोलते हैं। वैश्या शब्द कैसे आया ये बड़े कमाल का है, क्योंकि वैशाली के जितने भी लोग हैं, वैशाली एक बहुत जबरदस्त राज्य था और वैशाली के जितने लोग हैं बड़े मेहनती और बहुत बढ़िया होते थे, तो वैशाली के जो लोग हैं उनको वैश्य बोला करते थे। वैश्य को बाद में वैश्य कहने लगे जब पाली से संस्कृत भाषा में क्षय आ गया, और जो महिला होती थी उनको वैश्या बोला करते थे, वैश्या बाद में वैश्या बना दी। यानी पुरुष तो वैश्य हो गए जो खरीदने बेचने का काम करते थे, और महिलाओं को वैश्या बना दिया जो शरीर को खरीदने बेचने का काम करती हैं, जबकि ये दोनों बातें गलत हैं। दरअसल वैशाली के लोगों में जो जेंट्स थे, जो आदमी थे, उनको वैश्य बोलते हैं और वैशाली की जो महिलाएं उनको वैश्या बोलते हैं। ये प्रोस्टिट्यूट या वैश्या से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो व्यापार करने वाले लोग हैं उसमें वाणिज्य को या वाणिज्य बोला जाता है, वाणिज्य तो आज भी हम बोलते हैं व्यापार को। और जो व्यापार है जिसको हम व्यापार बोलते हैं, व्यापार का मतलब व्यापक शब्द से बना हुआ है। व्यापक मतलब जो चारों तरफ सर्वस्व दिखाई देता है, जो रहता है, जो एग्जिस्ट करता है, यानी कि व्यापार उसको बोलते हैं जो चारों तरफ सामान की सप्लाई करता है और सप्लाई करने वाला होता है। व्यापार, व्यापार में और वाणिज्य को में अंतर है। व्यापार बिना पैसे के होता है, वाणिज्य बिना एक्सचेंज के नहीं होता, ये पाली से बिल्कुल स्पष्ट है। और जो वैश्य है वो तो बिल्कुल भी व्यापारी या बिल्कुल भी दुकानदार नहीं है, क्योंकि वैश्य का मतलब वैशाली के लोग और वैश्या का मतलब वैशाली की लोग। और जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी उस समय महिलाएं, उनको गणिका बोलते थे, गणिका। तो वो एक गणिका को साथ लेके गए जंगल में, उन्होंने मदमस्त हो गए, शराब वगैरह पी, सुरा पी, उन्होंने जो मेरे मज्जे है वो उन्होंने खाया, तंबाकू वगैरह जो भी है, और वो सारे नशे में धुत हो गए। उधर जो गणिका थी वो उनका सारा कीमती सामान लेके वहां से गायब हो गई, रफू चक्कर हो गई। जब उनका नशा उतरा तो उन्हें पता चला कि भाई जो भी कुछ उनके पास सामान था वो तो कपड़े वगैरह सब कुछ ले गई। तो वो बड़े परेशान हुए और वो उसको चारों तरफ ढूंढने लगे। जब वो उसको ढूंढने लगे तो ढूंढते ढूंढते वहां उन्हें भगवान बुद्ध मिल गए। भगवान बुद्ध चूंकि पारगामी है, वो देख लेते हैं कि सामने वाले की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, मनोस्थिति क्या है, मन में क्या चल रहा है, वो तो पढ़ लेते हैं। तो उन युवकों ने उनसे पूछा, क्या आपने एक गणिका, एक महिला देखी? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप किसको ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम एक गणिका को ढूंढ रहे हैं जो इस तरह से हमारे सामान को लेके भाग गई है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप अपने आप को ढूंढो। इतना कहना था कि उन लड़कों को, उन कुमारों को बात क्लिक कर गई। उन्होंने कहा इसको कैसे ढूंढते हैं अपने आप को? तो भगवान ने कहा आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं, ऐही पर सीखो, और उनको धम्म को सिखाने के लिए लगे। और वो लोग चूंकि उनमें धम्म सीखने की लालसा थी और वो बड़े बुद्धि के अच्छे व्यक्ति थे, वो धम्म में जल्दी ही सीख गए और धम्म सीखते सीखते सोतापन्न हुए। और सोतापन्न होने के बाद में वो जब उन्होंने अनात्मवाद यानी कि अपने के अलावा जो वाद होता है, अनत्ववाद बोलते हैं इसको, जिसमें अपना ना हो कुछ भी, यानी मैं, मेरा कुछ नहीं है, जब उसका पाठ, उसका सूत्र उन्होंने अभ्यास किया और पढ़ा, तो वो लोग अर्हत हो गए। भिक्खुओं में ये बात चर्चा में चली बहुत ज्यादा कि कैसे, देखो व्यभिचारी लोग थे, कैसे सारे सुरा मेर मज्जा करते थे, कितने बड़े पापी लोग थे, और कैसे अर्हत हो गए और कैसे स्वतापन हो गए। भगवान बुद्ध के धम्म की ये खास बात है कि धम्म में कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। अंगुली मान जैसा डाकू जो रोज आदमी मार के अंगुली टांगता था गले में, वो भी यहाँ अर्हत हो सकता है, वो भी मुक्त हो सकता है, वो भी पाप से रहित हो सकता है। ये सबसे खास बात रही भगवान बुद्ध ने जो धम्म सिखाया उसमें, कि पिछला कोई भी आपका कर्म हो, आप जहां से शुरुआत करेंगे वहां से आप शुद्ध होते चले जाएंगे, वहां से आप लोगों के प्रिय होते चले जाएंगे, वहां से अपने प्रिय हो जाएंगे, अपने परिवार के भी प्रिय हो जाएंगे। पीछे का कोई जिक्र नहीं है। जो लोग किसी के पीछे की चीजें कुरेदते हैं और पीछे की चीजें बताते हैं वो स्वयं पापी होते हैं, क्योंकि कोई आदमी और कोई औरत अगर अच्छा बन रहा है और अच्छा है तो उसको जैसा है वैसा ही देखना चाहिए। पीछे का उसे बार बार याद दिला के ये नहीं कहना चाहिए कि तुम तो पीछे डाकू थे या चोर थे तो तुम अब कैसे ठीक हो सकते हो। हो सकता है, और जो व्यक्ति पीछे से ठीक चला आ रहा है वो कभी भी डाकू चोर बन सकता है। आदमी किसी भी क्षण डाकू बन सकता है और किसी भी क्षण साधु बन सकता है। ये भगवान बुद्ध ने जाना और भगवान बुद्ध ने इसकी प्रैक्टिस भी कराई। तब एक दिन जैतवन में इसकी चर्चा चली भिक्खुओं में और ये बात हुई। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, जो पहली वाली जो गाथा है, गाथा नंबर 64 की, उसी से रिजॉइन है, उसी के साथ है। मुहूर्त मपी चे वियु
मुहूर्त मपी चे वियु पंडितं पय रूपा सती क्षिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वा सुप्रसन्न यथा। मुहूर्त मपी चे वियु, मुहूर्त मपी का मतलब है, मुहूर्त जो शब्द है वो पाली का है। मुहूर्त आपने सुना होगा कि मुहूर्त निकलने वाला है, या मुहूर्त आ गया, या मुहूर्त उस दिन का निकला है, या मुहूर्त उस दिन बढ़िया है। बेसिकली कुछ समय जो नियत किया जाता है, फिक्स किया जाता है, उसको मुहूर्त बोलते हैं। तो यहां मुहूर्त बोलते हैं, यानी कि थोड़ा समय जो आपने फिक्स किया या जो थोड़े समय की क्वांटिटी है, इसको क्षण भर भी बोलते हैं। मगर क्षण का तो पाली के अंदर क्षण बोला जाता है, मुहूर्त का मतलब है थोड़ा सा समय। मुहूर्त यानी मुट्ठी भर समय कह सकते हैं। मुहूर्त मपी चे वियुति, मुहूर्त मपी का मतलब है अपी माने भी, यानी कि थोड़े समय के लिए भी। यदि व्यू माने जानकार, जो जानकारी रखता है या जानकारी चाहता है, व्यू जो समझदार है, थोड़े समय के लिए भी जो समझदार है। पंडितं पय रूपा सती, पंडितं मतलब जानकार जो भिक्खु है, पय रूपा सती का मतलब है उसकी संगत में चला जाए, या संगत में जाता है। यानी कोई जानकार, कोई समझदार व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए भी किसी भिक्खु की संगति में चला जाता है तो क्या होता है? खिप्पंग धम्मंग विजानाति, खिप्पंग का मतलब है शीघ्र, तुरंत। खिप्पंग धम्मंग माने धम्म को, प्राकृतिक नियमों को, और विजानाति का मतलब है जान लेता है, यानी कि तुरंत बहुत शीघ्रता से वो धम्म को जानना शुरू कर देता है, जान लेता है। जिह्वा सुप्रसन्न यथा, यथा माने जैसे, जिह्वा माने जीभ, और सुप्रसन्न माने जो कड़ी है, जो आपने तरल पदार्थ बनाया है, जो खाना बनाया, सब्जी बनाई है, उसके स्वाद को जैसे ही आप जीभ पे वो खाना रखेंगे, आपको तुरंत पता चल जाता है कि इसका स्वाद कैसा है। ठीक ऐसे ही जो समझदार व्यक्ति होते हैं, अगर थोड़े समय के लिए भी वो किसी ज्ञानी के साथ रह लें, तो तुरंत ही ज्ञान को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इससे पहले वाला इसका उल्टा था, जिसमें था कि मूर्ख लोग अगर पूरे जीवन भर भी किसी ज्ञानी के साथ रहें तो उनको ज्ञान नहीं आता है। ये गाथा कथा नंबर 65 है, और दोनों ही गाथा कथा बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
धम्मम् शरणं गच्छामि मिथ्याचार विर्मनि सिक्खापदंस्मादयामि कामेषु मिथ्याचार विर्मनि सिक्खापदंस्मादयामि कामेषु मिथ्याचार विर्मनि